आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आज का हमारा प्रश्न है, यदि fx बराबर m धन nx जब मेरा x 1 से छोटा है और fx बराबर 4 जब मेरा x बराबर 1 है और fx बराबर n ऋण mx जब मेरा x जो है 1 से बड़ा है। हमको ये fx की परिभाषा दी गई है और हमको ये कहा गया है कि लिमिट x अग्रसर है 1 की तरफ fx का मान कितना आ रहा है, f1 आ रहा है। तो m और n के मान ज्ञात करें, ठीक है। तो हमको पता है कि अगर मुझे लिमिट निकालनी है x अग्रसर है 1 की तरफ fx का, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं पहले जो है बाई सीमा निकालूंगा, फिर दाई सीमा निकालूंगा, और अगर बाई सीमा और दाई सीमा बराबर होंगी तो जो मान आएगा वही हमारी लिमिट हो जाएगी। तो देखिए, बाई सीमा क्या होती है, x जब हमारा 1 से थोड़ा सा छोटा हुआ, fx बराबर लिमिट x जब मेरा 1 से थोड़ा सा बड़ा हुआ fx, ये बाई सीमा हो गई, ये दाई सीमा हो गई, और ये दोनों बराबर होने चाहिए। समझ लेते हैं, ये बराबर है किसी मान l के, ठीक है। अब देखिए, मैं बाई सीमा कैसे निकालूंगा, लिमिट x अग्रसर है 1 से थोड़ा सा छोटा, जब मेरा x 1 से थोड़ा सा छोटा है तो मेरा फलन क्या परिभाषित है, m धन nx, ठीक है। और जब मेरा लिमिट x अग्रसर है 1 से थोड़ा सा बड़ा तो मेरा फलन क्या परिभाषित है, n ऋण mx, ठीक है। और ये किसके बराबर है, क्योंकि ये बराबर है, क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और इसका मान f1 है, तो मैं मान लेता हूँ कि l मान है, ठीक है। तो देखिए, अगर ये अब मैं यहाँ पे x का मान 1 रख दूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, m धन n बराबर, यहाँ पे भी मैं 1 रख दूंगा तो n ऋण m बराबर। अब देखिए, l का मान कैसे निकालूंगा मैं, l क्या था मेरा, क्योंकि ये दोनों ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो बाई सीमा बराबर दाई सीमा और उनका मान f1 के बराबर है। देखिए, f1 कैसे आएगा, जब fx हमारा 1 पे क्या आ रहा है, fx बराबर 4 जब x बराबर 1 है, तो l का मान मेरा कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए, m धन n बराबर 4 ये मेरा पहला समीकरण हो गया और n ऋण m बराबर 4 ये मेरा दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। समीकरण 1, समीकरण 2, और अगर मैं इनको जोड़ता हूँ आपस में तो देखिए, m से m गया, 2n बराबर कितने के, 8 के, तो n बराबर कितने के, 4 के। अब मैं n का मान समीकरण 1 या 2 कहीं पे भी रख दूंगा, समीकरण में 1 में रख देता हूँ, तो ये क्या कहता है, m धन n बराबर 4, तो m बराबर कितना, 4 ऋण n के, और n क्या है, 4, तो 4 ऋण 4 बराबर 0 के। तो देखिए, m का मान 0 आ गया और n का मान 4 आ गया, और हमको यही सवाल में पूछा था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।